हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो हमारी सीरीज चल रही है पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे, और जिसमें क्या करेंगे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर होगा उसका कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। तो मैंने क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में लिख रखे हैं, जिसको जो भी लैंग्वेज सूट करती है वो अपने हिसाब से उस लैंग्वेज को पढ़ें। तो मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ूंगा, तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑफ द थ्री नंबर द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9, एंड द दैट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड इज 3:4, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 2400, फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। मतलब इसमें क्या कहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है, फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है, फिर मतलब पहली और तीसरी का प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो पूछा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को, मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि पहले मैं जो जो पूछा हुआ उसको लिखेंगे। हमारे पास तीन नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 8:9। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 3:4। अब क्या है कि क्वेश्चंस हमें क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमारे पास अनुपात निकालना, हमने एक स्टेट वे में, पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी दो वैल्यू है और यहाँ भी दो वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू आपके पास दो है, मीन्स यहाँ पे एक है, दूसरी वैल्यू दो है, तीसरी वैल्यू एक है। तो मतलब जहाँ भी दो वैल्यू है उसको आप सेम कर दो। तो हम सेकेंड को क्या करेंगे, सेम। सेकेंड वैल्यू को करेंगे सेम, उसकी संख्याओं को सेम करेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पे 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू सेम हो गई, तो हमारे पास अनुपात सेम हो गया। तो आइए हम इसको करते हैं, ये पहली वाली ऐसे रखेंगे, दूसरी वाली यहाँ से ये होगी ओरिजिनल वैल्यू, हमारे पास अब आएगी 9 और 12। तो ये भी वैल्यू बराबर होगी, मतलब सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है, 9 है, 9, और थर्ड वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो ये हमारे पास अब ओरिजिनल रेशो आई तीन संख्याओं की। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, 9x 12x, एक्स में ले सकते हैं समझाने के लिए एक्स। अब क्या बोल रहा है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट 2400 है। अब हमारे पास क्या बोला, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहली क्या है, 8x, बस मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने इसको सीधा ही लिखना है ताकि हमारा कट करने के लिए इजी रहे। तो इनका क्या दे रखा है, 2400, 2 से गया, 8 से गया, 2 पे बचा 4, 5। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25, और एक्स जो हम रूट लेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या पूछा है, अब तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है, 9x। तो बस सेकंड नंबर हमारे पास आंसर आ गया 9x, और 9x को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। दिस इज मेथड वन, ठीक है जी। आपका सही आंसर क्या है, 45। आई एम सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड ये है, आपके पास तीन संख्याएं हैं, इसका अनुपात भी दे रखा है और इसका अनुपात भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ खाली है तो इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है तो ये वाली नहीं, ए वाली नहीं, ये वाली जो 3 है तो इसको यहाँ पे ले आए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24, 9 3 27, 9 4 36। अब देखते हैं हम क्या ये वैल्यू हमारी हमारी जो ऊपर आई थी क्या वही आ रही है। अब इसको हम कट कर देते हैं, 8 से किससे जा रहा है देखते हैं हम,
27, 3 से 8 पे, 3 से 9 पे और 3 से 12 पे। तो 8, 9 और 12, बस इतना ही था। बाकी आपको ये बाकी आपका सेम ही होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्स लेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे और वैल्यू को फिर दोबारा वहीं से आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ से दे रखा है हमारे पास 8x इंटू 12x, 2400 दे रखा है, और इसको हम 12 से करेंगे 2 पे और 8 से 25 पे गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25, और एक्स की वैल्यू 5। बस हमारे पास सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर की वैल्यू 9x है, और 9 को हम 5 से गुना करेंगे तो 45। मतलब यहाँ सीखने का है आपको। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ये करें, पहला मेथड आपको अच्छा लगता है तो पहला मेथड करें। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। इसमें मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया, मेथड आपके जो आपको सूट करते हैं वो समझा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।